नमस्कार, आप देख रहे हैं केवाईएन पोस्ट। साल 2020 के सभी 6 कैटेगरी शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। नॉर्वे के नोबेल समिति ने 2020 नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार दिया गया है। इस एजेंसी का काम दुनिया भर में आपात स्थितियों के दौरान जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना है, खासकर ग्रह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें आधा सम्मान रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण को आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ाव की खोज के लिए और शेष आधा सम्मान संयुक्त रूप से राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया एम गेस को गैलेक्सी के केंद्र में स्थित सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। केमिस्ट्री में साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनके नाम है एमान्यूल कारपेंटियर और जेनिफर डोंडा। इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस खोज के बाद लाइफ साइंस एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और नोबेल कमेटी मानती है कि इससे मानवता का बहुत भला हुआ है। अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए यह सम्मान दिया गया है। पुरस्कार समिति ने कहा है कि उनकी आवाज खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को यूनिवर्सल बनाती है। वहीं अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइज और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हॉक्टन को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। समिति ने कहा कि तीनों वैज्ञानिकों के रिसर्च से रक्त से होने वाले हेपेटाइटिस संक्रमण के लीडिंग सोर्स की व्याख्या करने में मदद मिली, जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी विषाणुओं द्वारा नहीं की जा सकी। इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलग्रोम को दिया गया है। ये पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 8.20 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। स्वीडिश क्रोनर स्वीडन की मुद्रा है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के लिए 318 उम्मीदवार थे, जिनमें से 211 व्यक्ति और 107 संगठन शामिल थे। केवाईएन पोस्ट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।